नमस्शिवाय। पिछले वीडियो में हमने विराम चिन्ह और प्रमुख विराम चिन्हों के विषय में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में विराम चिन्ह से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। एक्सरसाइज 1। निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाओ। वाक्यों में वाक्य के अनुसार उचित विराम चिन्ह लगाना है और फिर उन वाक्यों को दोबारा लिखना होगा। जैसे नंबर 1, तब्बू, सौम्या और तान्या ने ताज महोत्सव में हिस्सा लिया। इस वाक्य में पहला विराम चिन्ह लगेगा तब्बू और सौम्या के बीच में अल्पविराम लगेगा। उसके बाद वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगेगा। इसी तरह बाद बाकी सभी वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। नंबर 2, श्री रामधारी सिंह दिनकर महान कवि हैं। नंबर 3, सुख दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। नंबर 4, वाह वर्षा में भीगने में कितना मजा आ रहा है। नंबर 5, रोगी को देखने डॉक्टर दुबे आए थे। नंबर 6, मन के विकारों काम क्रोध मद लोभ आदि से मुक्त होकर ही हम प्रभु को पा सकते हैं। नंबर 7, मेरे हृदय में प्यार ही प्यार था, उसके हृदय में नफरत ही नफरत। नंबर 8, क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। नंबर 9, क्या आपने हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित मधुशाला पढ़ी है। नंबर 10, उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है सेवा देने की चीज है लेने की नहीं। नंबर 11, वे पुकुर पुष्कर में से पानी भर लाते थे। नंबर 12, नहीं मैं यह नहीं कर सकता। नंबर 13, सीता देखिए कितना सुंदर मृग है। राम, क्या वह स्वर्ण मृग। नंबर 14, मैं कह कह कर थक। नंबर 14, मैं कह कह कर थक गया पर तुम सुन सुनकर नहीं थके। नंबर 15, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। नंबर 16, समय अमूल्य धन है जो एक बार जाने पर वापस नहीं आता। नंबर 17, कृपया पृष्ठ उलटिए तथा सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नंबर 18, वह मिन्नते करता रहा, वे उसे नजरअंदाज करते रहे। एक्सरसाइज 2, निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक उदाहरण लिखिए। नंबर 1, अर्ध विराम। नंबर 2, योजक चिन्ह। नंबर 3, निर्देशक चिन्ह। नंबर 4, विस्मयादी सूचक चिन्ह। नंबर 5, प्रश्न सूचक चिन्ह। इस तरह से यह हमारा पाठ पूरा होता है। यह अभ्यास कार्य हिंदी लैंग्वेज कॉपी में लिखना है। नमः शिवाय।